हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी पाठशाला में। मेरा नाम है दिनेश और हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स। तो पिछले पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 11 तक अपने कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में ये हमारे पास फिगर दे रखी है 3.28, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसमें क्या बोल रहे हैं, 12 में फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एंगल एस। एंगल पी और एंगल एस निकालना है हमको, ठीक है। एस पी जो है हमारी, एस पी पैरेलल है किसके, आर क्यू के, ठीक है ये भी। और यहाँ पे देखा, इफ़ यू फाइंड आर इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड, हाँ एक एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, है ना। तो यही पूछ रहा है कि भाई एक से ज़्यादा मेथड भी यूज़ कर सकते हो, तो वो भी बता देंगे भाई हम इसको, दो मेथड बता देंगे कम से कम, ठीक है। चलो आ जाते हैं अपनी फिगर पे। हमारी फिगर कुछ इस तरह की बनी हुई है, इस तरह की बनी हुई है, बिल्कुल यही है फिगर हमारे पास। हाँ भाई यही है, वहाँ पे 130, वहाँ 90 है, ठीक है। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे दे रखा है 130 और यहाँ दे रखा है मेरे को 90 दे रखा है। ये मेरे को निकालना है और ये मेरे को निकालना है। ये दे रखा है मेरे को P, है ना, ये मेरे को दे रखा है P Q R S, ठीक है। यहाँ पे दे दिया मेरे को Q, यहाँ दे दिया मेरे को R और यहाँ दे दिया मेरे को S। चलो अब देखो, हमको पता है कि जो ये वाली लाइन है ना, देखो यहाँ पे बोल रखा है ना SP, यानी कि SP पैरेलल है RQ के, ठीक है। तो SP पैरेलल है RQ के। तो अगर वो पैरेलल दे रखी है ना, तो यहाँ पे हमको पता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं वी नो एस पी पैलर है आर आर क्यू के, ठीक है। इन्होंने दे रखा है ना, गिवन दे दिया, तो यहाँ पे गिवन भी लिख सकते हैं, गिवन दे दिया भाई इन लोगों ने हमको इतना। हमको पता है अगर ये दोनों लाइन पैलर है तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, एडजेसेंट होंगे, है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर एंगल पी प्लस एंगल क्यू इक्वल टू 180 होगा। क्यों होंगे, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल है ना, एडजेसेंट एंगल है। और हमको पता है कि एडजेसेंट एंगलों का सम जो होता है वो 180 के बराबर होता है ना, ठीक है। तो एंगल पी निकालना ही है हमको, एंगल पी यहीं छोड़ो, एंगल क्यू कितना है 130, ये 180, तो एंगल पी कितना आ जाएगा यहाँ से 50 डिग्री। एंगल पी कितना आ जाएगा यहाँ से 50 डिग्री, ठीक है, 50 डिग्री आ गया। अब इसको ध्यान से देखो, अब यहाँ पे देखो, ये मेरे पास 130 आ गया, ये मेरे पास 50 आ गया, ये मेरे पास 90 दे रखा है। अब देखो क्या दिख रहा है इसके अंदर, ये कोऑर्डिनेटर्स है जो हमारे पास है। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दे, चार एंगल हैं इसके अंदर, है ना, तीन हमको दे रखे हैं, एक निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं इसको, यहाँ पे हम कोऑर्डिनेटर ले लेते हैं अपना पी क्यू आर एस, ठीक है। यहाँ पे हम अपना मान लो कोऑर्डिनेटर हमने ले लिया, कोऑर्डिनेटर हमने यहाँ पे मान लो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे क्यू यू ए कोऑर्डिनेटर पी क्यू आर एस, ये कोऑर्डिनेटर ले लिया, ठीक है। अब देखो मेरे पास क्या है, एंगल पी भी है मेरे पास, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस में एंगल एस इक्वल टू 360 के बराबर होता है। चार एंगलों का सम किसके बराबर होता है, 360 के बराबर होता है चार एंगलों का सम, है ना। चार एंगलों का सम मेरा क्या होता है, 360 के बराबर होता है। और मैंने यहां लगा दी अपनी एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। एंगल पी कितना है बताओ जरा, एंगल पी है 50, एंगल क्यू कितना है मेरे पास 130, एंगल आर कितना है मेरे पास 90 है। क्या एंगल एस नहीं निकाल सकते हम लोग, बड़े सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं, है ना। तो 130 में 50 प्लस कर दो, यहाँ पे प्लस कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर 130 50 90 इनको प्लस करो 0 9 14 1517 का 7 हासिल 270 आ जाएगा, ठीक है। 270 आ जाएगा, यहाँ पे इनको प्लस करके आ जाएगा 270 प्लस में एंगल एस इक्वल टू 180, ठीक है। 180 माइनस कर दो, 270 में से 180 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 270 में से, सॉरी 360 है ना यहाँ पे तीन, तो यहाँ पे 360 के बराबर रखो इसको, 180 लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे गलती से, तो इसको 360 के बराबर रख दो, 360 के बराबर रखो इसको, 360 के बराबर रखो 270। अब एंगल एस निकालना है तो 360 में से माइनस करो 270 को, कितना आएगा यहाँ पर, जीरो में से जीरो चला जाएगा तो हमारे पास जीरो बच जाएगा, 16 में से 7 चला जाएगा, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कितना आ जाएगा यहाँ पे 90 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 90 आ जाएगा, ठीक है। एंगल एस निकालना था तो मेरे पास एस कितना आ गया, मेरे पास 90 डिग्री आ गया, एंगल एस आ गया मेरे पास 90 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत है बिल्कुल। 360 में से हमने माइनस कर दिया, ये कितना आ गया 130, 270, ठीक है। 360 में से 270 चले गए, 0 में से 0, 16 में से 7, 7, 14, 15, 16, 9 बज गया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे चलो, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। हमारे पास इस तरह का कोऑर्डिनेटर दे रखा था, ये वाला एंगल दे रखा था, हमने क्या करा, हमने एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी लगाई, क्योंकि इन्होंने ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल दे रखी थी। तो हमने क्या करा,
ये हमारे पास 130 था। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 के बराबर होता है ना। तो हमने 180 के बराबर रखा तो हमारे पास ये आ गया। उसके बाद ये हमारे पास 90 था, फिर हमने एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा दी, तो उसके बाद हमने इस वाले एंगल को फाइंड कर लिया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तो हमने जो एक्सरसाइज 3.3 है ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम पहुंचेंगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 3.4 पे। ठीक है, तो जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।